गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू आर फिट एंड फाइन। लेट्स स्टार्ट आवर डे विद अ मोटिवेशनल कोट। ऑलवेज बिलीव इन योरसेल्फ। अपने पर हमेशा विश्वास रखिए और सभी कामों को अच्छे से कीजिए। ओके, टुडे we will continue lesson number 5, advanced features of word. Today we will do page number 59, 60, 61, 62 and 63 of our computer book. First of all, we will review our previous topic. फर्स्ट टॉपिक वॉज थिसॉरस। थिसॉरस ऑप्शन हमें सिलेक्टेड वर्ड का सिनोनियम प्रोवाइड करती है। सिनोनियम्स क्या होते हैं? समानार्थी शब्द। जैसे आप हिंदी में करते हैं पर्यायवाची शब्द, सेम अर्थ वाले शब्द। ओके, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जब हम काम करते हैं तो किसी भी वर्ड का सिनोनियम फाइंड आउट करने के लिए हम थिसॉरस ऑप्शन का यूज करते हैं। सेकेंड इज ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप ऑप्शन की हेल्प से हम अपने डॉक्यूमेंट को सुंदर बना सकते हैं। इसकी हेल्प से हम अपने पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन के फर्स्ट लेटर को एनलार्ज कर देते हैं, उससे हमारे डॉक्यूमेंट की जो लुक है वो बहुत सुंदर बनती है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज मेल मर्ज। क्या टॉपिक है हमारा? मेल मर्ज। दिस ऑप्शन इज यूज टू सेंड अ डॉक्यूमेंट टू मैनी पीपल। ओके, ये ऑप्शन किसी एक डॉक्यूमेंट को अगर हम ज्यादा लोगों को सेंड करना है तो हम मेल मर्ज ऑप्शन का यूज करते हैं। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। सपोज आपका बर्थडे है और आपने कंप्यूटर में एक इनविटेशन कार्ड फ्रेम किया। ओके, इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। अब आपको इनविटेशन अपने 15 और 20 फ्रेंड्स को सेंड करना चाहते हैं, तो क्या आप 20 इनविटेशन बनाएंगे अपने हाथों से? सपोज आप ये इनविटेशन अपने 15-20 फ्रेंड्स को सेंड करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? कंप्यूटर में हम वन टाइम अपना इनविटेशन कार्ड बनाएंगे और फिर हम मेल मर्ज ऑप्शन को यूज करते हुए अपने सभी फ्रेंड्स के लिए वो इनविटेशन प्रिंट करेंगे। मेल मर्ज ऑप्शन के 3 कॉम्पोनेंट्स हैं। फर्स्ट इज मेन डॉक्यूमेंट, सेकेंड इज डेटा सोर्स एंड थर्ड इज मर्ज डॉक्यूमेंट। अब देखिए, मेन डॉक्यूमेंट क्या है? जो आप अपने बर्थडे का इनविटेशन क्रिएट करेंगे, दैट इज मेन डॉक्यूमेंट। डाटा सोर्स क्या है? जो आपके फ्रेंड्स हैं, 15-20 फ्रेंड्स की जो लिस्ट है वो आप डेटा सोर्स में रखेंगे। ओके, एंड देन हम क्या करेंगे? मेल मर्ज ऑप्शन की हेल्प से इन दोनों को मर्ज कर देंगे। आपका जो इनविटेशन कार्ड है वो आपके 15-20 फ्रेंड्स के लिए रेडी हो जाएगा, तो वो जो डॉक्यूमेंट क्रिएट होगा दैट इज मर्ज डॉक्यूमेंट। ओके, लेट्स रीड। मेल मर्ज। देयर आर times when you need to send a document to numerous recipients with identical information except for some details like name, address and so on. कई बार आपको केवल एक ही document सभी लोगों को भेजना होता है, but उस पर आपको name, address इन चीज़ों को चेंज करना होता है। देन द मेल मर्ज फीचर इज यूज्ड टू
send a document to multiple recipients at a time. तब हम mail merge option का use करते हैं multiple recipients को एक document send करने के लिए. Multiple recipients क्या होता है? जिन लोगों को हम वो document send कर रहे हैं, वो recipients हैं. It is used while sending similar formal letters, circular or invitations to a large group of people. अगर हमें बहुत सारे लोगों को एक सेम लेटर, कोई सर्कुलर या इनविटेशन सेंड करना है तो हम मेल मर्ज ऑप्शन का यूज़ करते हैं. द प्रोसेस ऑफ मेल मर्ज इन्वॉल्व्स 3 steps. अब मेल मर्ज करने के लिए हमें 3 steps फॉलो करने हैं. नंबर 1, क्रिएटिंग अ मेन डॉक्यूमेंट. इट कंटेन्स द कंटेंट दैट इज कॉमन इन ऑल द डॉक्यूमेंट्स. इन MS Word देयर आर 5 types ऑफ मेन डॉक्यूमेंट्स: लेटर, ईमेल मैसेज, एनवेल्प, लेबल्स एंड डायरेक्ट्री. इन दिस चैप्टर वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट लेटर्स. इफ यू वॉन्ट टू सेंड योर बर्थडे इन्विटेशन टू मैनी ऑफ योर फ्रेंड्स, देन द बर्थडे इन्विटेशन इज योर मेन डॉक्यूमेंट. नेक्स्ट क्या है? क्रिएटिंग अ डेटा सोर्स. इट कंटेन्स द नेम्स, एड्रेसेस, कॉन्टेक्ट नंबर्स एंड अदर इंफॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट रेसिपिएंट्स. उसके बाद हम एक डेटा सोर्स बनाएंगे जिसमें हमारे फ्रेंड्स के नेम्स होंगे, एड्रेसेस होंगे, कॉन्टेक्ट नंबर होंगे और बाकी की इंफॉर्मेशन होगी. नंबर 3, मर्जिंग मेन डॉक्यूमेंट एंड डाटा सोर्स. अब 3rd step में हम क्या करेंगे? मेन डॉक्यूमेंट को डाटा सोर्स के साथ मर्ज करेंगे. अ मर्ज्ड डॉक्यूमेंट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेन डॉक्यूमेंट एंड डाटा सोर्स. इट डिस्प्लेज द फाइनल डॉक्यूमेंट विद इंडिविजुअल नेम्स एंड एड्रेसेस. तो जब हम मर्ज करेंगे तो हमारे सामने एक इनविटेशन की कई कॉपीज बन जाएंगी और हर कॉपी पर आपके अलग अलग फ्रेंड का नेम टाइप्ड होगा. ओके? देखिए बेटा, सबसे पहले हम मेन डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में. तो यहाँ पर मैंने एक बर्थडे इनविटेशन टाइप किया है. हम इस बर्थडे इनविटेशन को अपने डिफरेंट फ्रेंड्स को सेंड करेंगे. ओके? सपोज आपके 5 फ्रेंड्स हैं, आपने उनको सेंड करना है तो डियर के साथ आपके फ्रेंड का नेम आएगा और हर फ्रेंड का एक अलग इनविटेशन क्रिएट होगा विद द हेल्प ऑफ मेल मर्ज ऑप्शन. फर्स्ट ऑफ ऑल क्लिक ऑन मेलिंग्स टैब. मेलिंग्स टैब पर क्लिक करेंगे, देन स्टार्ट मेल मर्ज. स्टार्ट मेल मर्ज ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड. देन क्लिक ऑन स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड. क्लिक ऑन लेटर्स. एट राइट साइड क्लिक ऑन लेटर्स. लेटर्स पर क्लिक करेंगे, देन क्लिक ऑन स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट. आफ्टर दैट क्लिक ऑन Use the current document, select recipients, type a new list. अब यहाँ पर हम अपने फ्रेंड्स की न्यू लिस्ट क्रिएट करेंगे. सबसे पहले हम अपने फर्स्ट फ्रेंड का नेम राइट करेंगे, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम. देन क्लिक ऑन न्यू एंट्री. अब हम अपने सेकंड फ्रेंड का नेम टाइप करेंगे, देन क्लिक ऑन न्यू एंट्री एंड 3rd फ्रेंड का नेम टाइप करेंगे.
ये क्या है? डेटा सोर्स. देन क्लिक ऑन ओके. नाउ सेव योर डेटा सोर्स. डेटा सोर्स को हम सेव कर लेंगे. क्लिक ऑन सेव. देन क्लिक ऑन ओके. सबसे पहले हम अपना कर्सर जो है डियर के साथ लेके आएंगे. देन क्लिक ऑन फर्स्ट नेम. क्लिक ऑन इंसर्ट. देन क्लिक ऑन लास्ट नेम. इंसर्ट. इंसर्ट पर क्लिक करेंगे. आप देखिए जहां पर फर्स्ट नेम है वहां पर आपके फ्रेंड का नेम आ जाएगा और लास्ट नेम में आपके फ्रेंड की कास्ट आ जाएगी. फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम. देन क्लिक ऑन प्रीव्यू योर लेटर. क्लिक ऑन कंप्लीट द मर्ज. कंप्लीट द मर्ज पर क्लिक करेंगे. देन क्लिक ऑन एडिट इंडिविजुअल लेटर एंड देन ओके. देखिए यहाँ पर आपके फ्रेंड्स का सेपरेटली एक इनविटेशन रेडी हो गया है. फर्स्ट फॉर अमन कुमार, सेकंड फॉर रोहित कुमार एंड थर्ड फॉर गगन कुमार. योर होमवर्क इज रीड पेज नंबर 59-263 एंड लर्न न्यू वर्ड्स ऑफ लेसन 5. थैंक यू. स्टे होम, स्टे सेफ.